the conservation of energy and all that. So आओ उत्तर देखें, principle of conservation of energy क्या है? इसको बेटी हम बेसिकली फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए कंप्लीट कर भी चुके हैं कि हमारा जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल किस तरीके से वैलिड रहता है। हाँ जी बेटी मैं बताता हूँ, सारा बताता हूँ बेटी, वेट करिएगा दो मिनट। इमेजिन करिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन ए, किसी एच हाइट पर है ये ग्राउंड लेवल से। इसको यहां से आपने ड्रॉ किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, इमेजिन दिस हाइट टू बी इक्वल टू एच पे, और ये इमेजिन कर लीजिए ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे टोटल हाइट ग्राउंड लेवल की जो है से दिस इज इक्वल टू बेटे एच, एच हमें इसकी हाइट दे रखी है। जब आप इसको मास इसका स्मॉल एम आप कह सकते हैं, जब आप इसको ड्रॉप करते हो तो ये मूव करते करते बेटा इमेजिन कर लीजिए दिस इज द पॉइंट बी, ए से लेकर बी तक एक्स के बराबर का डिस्टेंस इसने कवर किया बी पॉइंट तक। ये एक्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बन गई बी, और बी जो है इट इज नॉट इक्वल टू यू, तो ऑब्वियस है बिकॉज इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल नॉट बी इक्वल टू यू और जीरो। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है बेटे, इस तरीके से ये जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड एट द पॉइंट सी पहुंच गया। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बी डैश, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बी है। तो अगर ये ए से लेकर बी तक बेटे एक्स के बराबर का इसने डिस्टेंस कवर किया है, तो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस डियर चिल्ड्रन एच माइनस एक्स के बराबर का बन जाता है, और ये आपके पास ये चीज बेटे बन जाएगी। अब आप क्या करिए, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, तीनों पॉइंट्स पर बेटे टोटल एनर्जी हमारा ऑब्जेक्ट जितनी पोजेस करता है उसको वर्कआउट करिएगा। सो लेट अस सी एट पॉइंट ए बेटा, ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं बेटे। ए पॉइंट पे हमारी टोटल एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बेटा। काइनेटिक एनर्जी अगर हम वर्कआउट करने की कोशिश करें, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, स्मॉल यू के बराबर है, इसका स्क्वायर यू तो अब आपका जीरो है, 1/2 एम जीरो का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू जीरो। और अगर हम बात करें बेटा पोटेंशियल एनर्जी की, इट विल बी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू हाइट, इस ए बॉडी की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एच के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के बराबर आ गई बेटा। और टोटल एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बेटा। सो ये आपके पास जीरो प्लस एम जी एच, दिस इज इक्वल टू एम जी एच, इसके बराबर बेटे टोटल एनर्जी आपकी, आपका जो बेटे पॉइंट ए है यहाँ पे आ गया। नोटिस करने वाली चीज ये है कि ए पॉइंट पर आपके ऑब्जेक्ट के पास बेटे जो है ये बेटा जो ए पॉइंट है यहाँ पे बेटे पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी जो है दिस इज बेटे जीरो, काइनेटिक एनर्जी कोई भी नहीं है बेटा। और अगर काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी बेटे जो है वो जीरो है, तो आइए अब हम बेटे देखें दोबारा फिर से एक बार कि हमारा जो है बी पॉइंट वहां पे
क्या काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम है या कोई फर्क आ रहा है, तो वहां से हमें बेटे और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी जब आप डी पॉइंट पर कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे। सो डियर चिल्ड्रन एट पॉइंट बी, आइए देखें बच्चों, बी पॉइंट पर आप जब टोटल एनर्जी बेटे निकालते हैं तो टोटल एनर्जी बेटे जो है दिस इज अगेन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास चीज पड़ी है। अब बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, हमें वेलोसिटी बी पॉइंट पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ये वाला इक्वेशन जो है बेटा ये यूज करेंगे। इस इक्वेशन में बेटे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका जो ए है ये बेटे स्मॉल जी के बराबर का है और एस आपका जो है दिस इज इक्वल टू बेटे बी पॉइंट पे चेक करिएगा एच माइनस एक्स के बराबर का है। सो आई विल राइट एच माइनस, नहीं बेटा ये हाइट है ग्राउंड लेवल से, जो डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट ने कवर किया है ए से लेकर बी तक दैट इज इक्वल टू एक्स, डायग्राम पे फोकस करिएगा, ए से बी तक जब आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है इसने एक्स के बराबर का डिस्टेंस कवर किया। सो पुत्र स्मॉल यू आपका जीरो है, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, बी स्केयर माइनस जीरो का स्केयर इज इक्वल टू टू जी एक्स एंड बेटे बी स्केयर इज इक्वल टू टू जी एक्स, यही हमें चाहिए था बिकॉज जब हम काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे वी विल बी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी टू बी 1 बाई टू एम बी स्केयर, 1 बाई टू एम बी स्केयर इज इक्वल टू टू जी एक्स, हाफ आपका कैंसिल आउट हो गया डियर चिल्ड्रन, काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई जी एम इंटू जी इंटू एक्स के बराबर एट द पॉइंट बी। उत्तर सारे स्टूडेंट्स एक बार चेक करके देखिएगा, all of you are getting this amount of kinetic energy or not with it here at the point B? हाँ जी धीरेन, sorry दिलजीत कुछ कहना चाहता है, बोलिए पुत्र दिलजीत। सर मैंने join late किया थोड़ा, तो आपने सिर्फ अभी तक law of conservation of energy की derivation कराई है। हाँ जी बेटे, आज हम numericals नहीं करने वाले हैं, numericals आप बहुत कर चुके हो, तो I was just बेटे focusing on the derivation part of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर और भी दो तीन करवाऊंगा। सो आइए कंटिन्यू करें हम बेटा। ओके सर। ओके बेटा, नाइस। इसके बाद बेटे मैं इसी पॉइंट पर बी पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करूंगा, आइए बी पॉइंट पे बेटे पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देखें कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितना है। एट द पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी बेटे एम जी एच के बराबर होती है और हाइट एच आपका बच्चों एच माइनस एक्स के बराबर है, यू कैन व्यू दिस बेटा, सो इट इज एच माइनस एक्स बेटे। देखो बेटे डेरिवेशन कर लेना, इन स्टेप्स को लिख लेना अलग बात है, अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जरा फोकस करिएगा। जब आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक नहीं थी। द मोमेंट इट इज अप्रोचिंग द पॉइंट बी या ये बी पॉइंट पे जब पहुंच जाता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम हुई है, यहां से पता चल जाता है इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई है, पहले जीरो थी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो गया है, बिकॉज टोटल एनर्जी जो है पुत्र ये तो आपका सेम ही है, आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करने वाले हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स है और ये है एम जी एच माइनस एक्स, इस ब्रैकेट को आप हटा दीजिए, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये डियर कैंसिल आउट हो गया और बेटा जी यहाँ पे आपके पास जो आपका टोटल एनर्जी है दिस इज बेटे इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। फिर से पुत्र समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, वो उतने का उतना ही है,
जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, लेकिन इंडिविजुअल रेशो चेंज हो रही है। पहले पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, अब जैसे जैसे चीज नीचे आ रही है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, आपकी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आपकी एट द सेम टाइम जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये हम कैसे कह सकते हैं ये? बिकॉज टोटल एनर्जी सेम है। हम इस टोटल एनर्जी से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है उतना ही आपकी काइनेटिक एनर्जी में बच्चों गेन हुआ है। सो इस चीज को अपने माइंड में जरा ध्यान से एनालाइज करिएगा और ट्राई टू ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। आइए इसके बाद आपको मैं सी पॉइंट पे ले चलता हूं। सी पॉइंट पे बेटे आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी डैश के बराबर, तो अगेन हमें नहीं पता कि जो सी पॉइंट है हमारा यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, और हम कैसे निकाल पाएंगे या हम किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकालेंगे। सो लेट अस फोकस एट पॉइंट सी। बेटे सी पॉइंट पे क्या हो रहा है आइए देखें एनालिसिस करके। सी पॉइंट पे बेटे आपका सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है दैट इज जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, एक पिन पॉइंट जितना फर्क है ग्राउंड लेवल से इसका। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट सी पॉइंट की ग्राउंड लेवल से प्रैक्टिकली जीरो ही है। इट विल मीन दैट कि बच्चों पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पर एम इंटू जी इंटू एच जीरो है, तो जीरो हो गई जी। यहां से कंफर्म हो गया कि जैसे जैसे आपकी बॉडी नीचे आ रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, और जब वो ग्राउंड पर आके जस्ट टच करने वाली है, क्योंकि हाइट जीरो हो गया पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी गई कहाँ, आइए वो भी देखें ढूंढे। आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 एम वी डैश के स्केयर की जरूरत पड़ेगी, और वी डैश तो हमारे पास है नहीं है। इसको फिर से आप थर्ड इक्वेशन अडॉप्ट करिएगा, बी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। बी की जगह पर उत्तर आप लिखोगे वी डैश, क्योंकि सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई है जी वी डैश, और यू आपके ऑब्जेक्ट का बच्चों जीरो है जब टॉप पे था। ए आपका जी के बराबर है, एस आपका एच के बराबर, आपने देखिए ए से लेकर सी तक टोटल हाइट एच के बराबर की है। अब बच्चों आइए एक बार फिर से वी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करें, और फिर हमारे पास बच्चों आ जाएगी जी काइनेटिक एनर्जी। लेट अस इसको थोड़ा मैं इलेबोरेट कर रहा हूं पॉइंट को। वी की जगह पर वी डैश आ गया जी, यू आपका जीरो है, टू तो चलो टू ही है, ए की जगह जी लिख दिया, एस की जगह एच। चेक करिए डियर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस टुडे। बी डैश का पुत्र जी स्क्वायर बन गया 2gh के बराबर, और बेटे काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है इट इज 1/2 एम वी डैश का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/2 एम, दिस इज इक्वल टू 2gh, ये आपका कैंसिल आउट हुआ, mgh के बराबर बच्चों टोटल एनर्जी आपकी बनी। अब टोटल एनर्जी एक बार निकाल के भी तो देख लें, पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी mgh है, सो टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस टोटल एनर्जी बेटा। सो बच्चों इन दिस वे अगर सारा ये एनालिसिस करके देखें, हमें ये बात पता चल जाती है कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसकी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन टोटल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं है, वो उतनी की उतनी है। सो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करें, कोई और आपने कैलकुलेशन करना हो, इन तीनों चीजों को अपने माइंड में रखोगे कि टोटल एनर्जी में नो चेंज विल बी देयर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ए से सी तक आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई पॉइंट पकड़ लो रास्ते में, जरूरी नहीं है एबीसी पकड़ने हैं, कोई और पकड़ लीजिए, हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी बराबर होगी, सेम रहेगी। दूसरी बात,
जब ऑब्जेक्ट आपका नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तीसरी बात, जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है बेटा। सो इन दिस वे देखिए आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बेटा समझ सकते हो। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स थोड़ा एडिशनल काम करके, कई बच्चों का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, आपको छोटा सा एक मैं गाइड कर देता हूँ, टाइम होगा तो करके देख लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उल्टा केसेस का। बिल्कुल, इसमें तो हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है नीचे आ गया, ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे है इसको ऊपर को थ्रो किया गया है। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट हाउ टू प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन वर्टिकली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जिनके पास टाइम हो जरूर करके देखिएगा बेटा, और आपको काफी ज्यादा बेटे इस प्रूफ करके बाद, करने के बाद आपका जो है जो कमांड रादर जो है सब्जेक्ट पे वो बढ़ जाया करता है। सो मे आई होप बेटे आप करके देखोगे बेटा। धीरे इसी पे आ रहा हूं बेटे मैं। आइए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करें, या काइनेटिक एनर्जी का पहले मैं आपको डिराइव करवा देता हूं, वर्क एनर्जी पे बाद में आ जाता हूं बेटे। आइए देखें एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल पाएंगे। आइए बच्चों कंसंट्रेट करें, फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बच्चों बेसिकली किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। किसी भी बॉडी ने किसी डायरेक्शन में मूवमेंट शो किया है, जब वो बॉडी मूव कर रही है तो दैट माइट बी पोजेसिंग सम स्पीड और वेलोसिटी। उस स्पीड या उस वेलोसिटी की वजह से जो उसके पास एनर्जी है उसको हम बेटे बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें लिखना पड़े डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज बेटे डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड by an object by virtue of its motion। So बेटे formula अगर हम kinetic energy का लिखें E, this is equal to 1/2 m into v का square। अब ये derivation part हमारा जो है this is quite important, इसको कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो डियर चिल्ड्रन आप यू ऑल माइट बी रिमेम्बरिंग दैट कि हम एक डायग्राम ड्रॉ किया करते हैं। डायग्राम जब आप ड्रॉ कर देते हो तो इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है सरल। तो आप एक टॉय कार इमेजिन कर लीजिएगा, ये टॉय कार है, इट इज एट पॉइंट ए और ये रेस्ट पे है इनिशियली, एम इसका मास है। इस टॉय कार पर एक फोर्स अप्लाई किया गया इन दिस डायरेक्शन। हाँ जी धीरेन कुछ कहना चाहता है पुत्र। दिलजीत सॉरी बोलो दिलजीत। सर हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ जी लिख सकते हो, बाय द मोशन नहीं लिखो आप लिखिए काइनेटिक। सर एनर्जी पोजेस्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। On account of motion लिख दीजिए, by the motion मत लिखिए, ठीक है पुत्र? Okay sir। चलें आगे बेटे। चलिए ठीक है, nice बेटे। आपका toy car है, A point पे है, rest पे है initially, आपने F force apply कर दिया toy car पे, और toy car बेटे इस तरीके से move करता 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 ये आपका यहाँ B point पर बच्चों पहुंच गया, और जो B पॉइंट है ये A पॉइंट के कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो S डिस्टेंस पर लाई करता है, और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट की टॉय कार की वेलोसिटी बन गई थी। देखो पुत्र इनिशियली तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, अब वो B वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दिस मींस दैट कि मोशन जो है इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन डेवलप हुआ होगा तभी इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है ना बेटा। सो आप यहाँ पे अगर बेटे अपना वर्क डन की बात करो
कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया टॉय कार पर इसने कितना वर्क किया है, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिधर फोर्स है उधर ही डिस्टेंस कवर्ड है, तो आपका वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड के बराबर आ गया बेटा। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं फोर्स एफ आपका जो है एम इंटू ए के बराबर भी होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ आपने बड़ा अच्छे से पढ़ रखा है। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस उत्तर, इसको इक्वेशन नंबर वन आप कह दीजिए बेटे। सो वंस वी राइट दिस एज इक्वेशन नंबर वन बेटे, हमें यहां पर बेटे एम और ए और एस इनका अगर हम एनालिसिस कर लें बेटा, देन बेटे वी यहां पे ए और एस को कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन ए और एस को बेटे कैलकुलेट करने के लिए हमें वंस अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी। बी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए इंटू एस अप्लाई करिए। तो डियर चिल्ड्रन यू आपका जीरो था, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस आ गया जी, ए एस आपके पास आ गया वन बाई टू एंड बी का स्क्वायर। ये ए एस की वैल्यू जो है आपके पास बनी, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दीजिए, इसकी वैल्यू वन में पुट करिए। तो व्हाट वी कैन से दैट बेटे, लेट अस सब्स्टिट्यूट या पुटिंग लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एस फ्रॉम टू इन वन। अच्छा बच्चों, यहां पे एक बात और याद रखिएगा, जब आप अपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, टॉय कार पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अभी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि वर्क डन एनर्जी के बराबर कब होता है, ये बच्चे ने एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा था बेटे। जब आपका टायर्स और रोड के बीच में, इस केस में मैं कह रहा हूं फ्रिक्शन नहीं है, बड़ा कम है, थोड़ा है, तो जितना आप वर्क कर रहे हो वो सारे का सारा वर्क डन इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। फिर से पुत्र ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, जब एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो आपका पूरे का पूरा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। कौन सी एनर्जी में लॉस नहीं हुआ, फ्रिक्शनल एनर्जी जो है, फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं हुए। अगर अदरवाइज क्या होता है, जब हम अपने हैंड्स को ये देखिएगा, ऐसे में रब करता हूं, एक मिनट धीरेन, ऐसे में रब करता हूं तो आपके हैंड्स गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जितना आप काम कर रहे हो वो सारे का सारा हीट एनर्जी में बदल गया। अगर हैंड्स के बीच में फ्रिक्शन ही ना हो तो व्हाट विल बी द केस, आपका वर्क डन जो है वो दैट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अगर इधर यहां पे सोचें, आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने वर्क भी किया, अब अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो जितना भी आपने काम कर दिया वो सारा उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। धीरेन कुछ कहना चाहता है, पुत्र बोलो धीरेन। सर रियल लाइफ में हम देखे तो मोस्ट ऑफ ओनली फ्रिक्शन हर तरफ होती है, तो फिर ये लॉ तो रियल लाइफ में एप्लीकेबल ही नहीं है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस नहीं होंगे इस लॉ से। एक मिनट, जब हम बेटे रियल लाइफ की बात करते हैं ना, हम वहां पे ये कह देंगे कि जितना आपने वर्क किया है उसका 99% काइनेटिक एनर्जी में बदल गया है, 1% जो है वो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सिचुएशन को और ज्यादा आइडियल बना लें, सरफेस को परफेक्टली स्मूथ कर दें, इसके जो टायर्स हैं उनको भी काफी हद तक फ्रिक्शन लेस कर दें, तो आपका 99.9% एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वर्क डन बदल जाता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर लेट और सपोज कि आपका फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि अगर फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। अदरवाइज रियल लाइफ सिचुएशन में हो सकता है कि आप अगर 100 जूल्स ऑफ वर्क कर रहे हैं उसमें से 80 जूल्स काइनेटिक एनर्जी में बदल गए, बाकी 20 जूल्स खत्म हो गए, तो होने दो जो हो गए हैं। हमने तो अपना फॉर्मूला डिराइव करना है ना पुत्र,
हमारा मेजर एनर्जी कंटेंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पड़ा है. दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग अपॉन दिस अजम्पशन दैट कि जब आप ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करोगे फ्रिक्शनल लॉसेस को या ये कह दोगे कि फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं है, तब आपका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा. मतलब ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा पड़ा है ये आइडियल फॉर्मूला है, और अदरवाइज जब आप बात करोगे कि नहीं जी कुछ वर्क डन किसी और फॉर्म में बदल रहा है, तो वो फॉर्म हम इसके साथ अटैच करके कह देंगे कि इसका और उसका एनर्जी का सम टोटल वर्क डन के बराबर है, हम ऐसे कह देंगे. और वो केस आप वर्क एनर्जी थ्योरम की फॉर्म में करते भी हो. मैं फिर रिपीट करूं, अगर बेटे आपका सारे का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है, कुछ लॉस हो गया जी, हम मान गए कि लॉस हो गया, तो वो जो लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्शन से, कन्वर्शन के टाइम पर, तब हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस जो भी फॉर्म में लॉस हुआ वो इनका सम वर्क डन के बराबर है. लेकिन जब हमने डेरिवेशन करनी है फार्मूले की, तब हमने ये अज्यूम कर लिया कि सारा वर्क डन इधर कन्वर्ट हो गया है, तो ये आपका परफेक्ट फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये बन गया. धीरेन पुत्र, एम आई क्लियर? धीरेन, ओके. सो बेटे ए एस की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करिए. वर्क डन आपका काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, इसकी जगह पर मैंने ई लिख दिया और एम को कुछ भी नहीं कहा, ये एस सच पड़ा है. ए एस की जगह पर मेरे पास आ गया 1/2 वी का स्केयर. सो डियर चिल्ड्रन, काइनेटिक एनर्जी बन गई जी 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्केयर. ये डेरिवेशन को नहीं भूलिएगा, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती रही है, तो यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बेटा. थोड़ा सा इन स्टेप्स को देखिएगा, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत इसमें आ रही है तो जरूर बेटे बताइए. ऑल ऑफ यू बेटा ये सारे स्टेप्स को देखिए, किसी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा. अदरवाइज वी विल बी मूविंग अहेड विद द डिस्कशन. ओके नाइस बेटे. देखिए बेटे, काम इसके बाद हमारे पास और भी काफी करने वाला है, डेरिवेशन और भी हैं 2-3, लेकिन उनसे पहले बेटे बिकॉज हमने देखिए ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया ही है, तो मैं प्रेजेंटली काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से आपको रिलेट करके यहाँ पे एक बार दिखा दूं, फिर आगे चलते हैं बेटे. सो आप हेडिंग भी लिख सकते हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. ये आप कैसे रिलेट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम को बेटा? आइए पुत्र जी कंसंट्रेट करके देखें. आपने प्रेजेंटली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था 1/2 इंटू मास इंटू स्केयर ऑफ द वेलोसिटी, ये डिराइव किया था. अगर आपने जब आप ये डेरिवेशन कर लेते हो, राइट साइड आपकी जो है 1/2 इंटू एम इंटू वी स्केयर, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो वो वही रह जाती है. अब 1 को मैंने बच्चों 1/2 एम बी स्केयर, 1 को मैंने m डिवाइडेड बाई m लिख दिया, m से m कटी कैंसिल आउट ही हो जाएगा तो 1 ही रह जाएगा. तो अगर मैं इसको फर्दर मोर देखूं, ये m और ये m, m इंटू m, ये m का स्केयर बन गया, b का स्केयर ऑलरेडी है, ये एक m डिनोमिनेटर में पड़ा है, तो वी विल हैव दिस टू बी इक्वल टू 1/2 m इंटू वी, इसका मैं कंप्लीटली स्केयर लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर में स्मॉल m आपका पड़ा ही है बेटा. अब डियर चिल्ड्रन, आप लोगों ने मोमेंटम को अच्छे से डिफाइन कर रखा है कि किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बच्चों मोमेंटम m होता है, सॉरी मोमेंटम जो p होता है, ये मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है. सो ये रिलेशनशिप को देखिएगा काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन में, इसका मतलब है फिर m इंटू वी की जगह पर मैं p लिख सकता हूँ बेटा, और ये p का स्केयर एस सच पड़ा है,
एम डिनोमिनेटर में रहने दीजिए एज सच. सो काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. ये आपके पास बेटे जो है फॉर्मूला बन गया आपके काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एनर्जी को रिलेट करते हुए. कई बार आपको इस फॉर्म में पूछा जाता है, कई बार आपको एग्जामिनर कह देते हैं कि नहीं जी इसको थोड़ा सा आप इसको रीशफल करो टर्म्स को, 2m को इस तरफ ले आइए. इट विल बी 2 into m into e इज इक्वल टू पी का स्केयर आएगा जी, या पी का स्केयर इज इक्वल टू 2 into m into e आएगा, या पी इट विल बी रूट 2 into m into e. ये पुत्र आपके पास आपका काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेट हो गया. सारे स्टूडेंट्स पुत्र एक बार चेक करिए, कोई आपको दिक्कत वाली बात लगती है तो मुझे बताइए. आई कैन रिपीट दैट बेटा, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते आप किसी भी हालत में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. आप काफी न्यूमेरिकल वगैरह भी इसके ऊपर बेस्ड करते रहे हो तो बेटे एक बार करके देखिए साथ साथ सारे स्टूडेंट्स बेटा. अपना कॉपी पेन आपके हैंड में होगा ही हो एक बार. ये 2-3 स्टेप्स हैं, कोई ज्यादा लेंथी काम नहीं है. मुझे थोड़ा समझाने में टाइम लगता है बिकॉज आई एम टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. आपको तो जस्ट आपको पता है तो आप लिख के फटाफट इसको फ्री हो जाइए और मुझे बताइए कि आपका हो गया है कि नहीं. ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन टेक 1 मिनट इसको कंप्लीट करके मुझे बताइए. कोई स्टेप में कोई आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आई कैन एलिमिनेट दैट. ऑल ऑफ यू रिधिका आर्यन धीरेन जपनप्रीत एक जो जसलीन कौर जसलीन खोसला कन्वर नूर सिंह सोहल मितांश ओके नाइस पुत्र और नित्या परमीत राघव रेनिका हाँ जी रेनुका सॉरी रेनिका नहीं ऋतिक सिमरन सुधीक्षा सुमति शिवांश सारे बच्चों ने मुझे लगता है कि कर लिया है. वेरी गुड पुत्र बहुत बहुत बढ़िया. इन डेरिवेशन को बार बार करते रहिएगा. थोड़े टाइम के बाद 2-4-5 दिन के बाद एक बार देख लिया करो फिर आपको ये भूलेंगी नहीं. सो इन दिस वे बेटे आप इन सारी चीजों को रिटेन कर सकते हैं. सो डियर चिल्ड्रन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. थैंक यू ऑल बेटे. बाकी फिर कल करते हैं काम. थैंक यू ऑल बेटा. शुड आई लीव बेटे नाउ आर्यन धीरेन जपन एकजोत ठीक है पुत्र. थैंक यू ऑल.